Hello everyone, in this video I am going to explain 5 basic functions of Math Module of Python programming language। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ Math Module का ceil फंक्शन, जो कि एक्चुअली सीलिंग वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं Math Module के फंक्शंस को यूज करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मुझे Math Module को अपने प्रोग्राम में इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्ट मैथ, इस स्टेटमेंट की वजह से Math Module मेरे इस प्रोग्राम में इम्पोर्ट हो जाएगा। देन मैं यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन दे रहा हूँ, सो def टेस्ट, तो ये मैंने फंक्शन का डिक्लेरेशन दे दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट से फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले ceil फंक्शन का यूज करने जा रहा हूँ और उसका रिजल्ट मैं a वेरिएबल स्टोर करूंगा। सो a इक्वल्स टू मैथ डॉट ceil, और यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ 100.45, और उसके बाद मैं वैल्यू a वेरिएबल की प्रिंट करने जा रहा हूँ, तो प्रिंट ए। तो यहाँ पर अब मैं ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ceil जो फंक्शन है ये हमेशा रिटर्न करता है एक इंटीजर वैल्यू अकॉर्डिंग टू नंबर 100.45 या फिर जो भी नंबर हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, और ceil एक हमेशा ऐसा इंटीजर रिटर्न करता है जो कि हमारे इस वैल्यू से बड़ा हो लेकिन उसके क्लोजेस्ट हो। तो 100.45 से जो बड़ा इंटीजर है वो 101 अवेलेबल है और क्लोजेस्ट भी है। तो यहाँ पर ceil फंक्शन 101 रिजल्ट रिटर्न करेगा ए वेरिएबल को, रिजल्ट में हमें यहाँ पर ए वेरिएबल की वैल्यू 101 मिलेगी। तो अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर सेव करने जा रहा हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए, तो Ctrl+S, और यहाँ पर मैं इसको नाम दे रहा हूँ टेस्टिंग सेव। तो ये प्रोग्राम मैंने सेव कर दिया, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं Ctrl+F5 प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इंटरेक्टिव मोड पर आ चुका हूँ। इसके बाद मैं फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ जो कि मेरे प्रोग्राम में अवेलेबल है, जिसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो फंक्शन का नेम है टेस्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं हमें 101 रिजल्ट मिल रहा है। अब सेम ceil फंक्शन को मैं दोबारा यूज करने जा रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं उसको एक नेगेटिव नंबर प्रोवाइड करूंगा, ना कि पॉजिटिव। अब यहाँ पर मैं 100.45 में नेगेटिव 100.45 इसकी वैल्यू कर रहा हूँ। तो इस केस में अगेन हमें ऐसा इंटीजर मिलेगा जो -100.45 से बिगर हो और इससे क्लोजेस्ट हो। तो इस केस में रिजल्ट हमें -100। तो यहाँ पर ceil फंक्शन -100 ए वेरिएबल को रिटर्न करेगा, और जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें -100 रिजल्ट वहां पे स्क्रीन पे मिलेगा। तो अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करके यहाँ पर एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर टेस्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और देख सकते हैं हमें -100 यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, मतलब -100 जो इंटीजर है वो -100.45 से ग्रेटर है और क्लोजेस्ट है। तो ये ceil फंक्शन का यूज है, और हम कह सकते हैं फंक्शन है मैथ मॉड्यूल में। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है फ्लोर। तो अब मैं यहाँ पर फ्लोर फंक्शन का यूज करने जा रहा हूँ। अगेन फ्लोर फंक्शन ही मैथ मॉड्यूल में ही अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली फ्लोर फंक्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ceil की जगह पर मैं फ्लोर लिख रहा हूँ, और सेम वैल्यू मैं -100.45 यूज कर रहा हूँ। तो इस केस में फ्लोर फंक्शन हमेशा एक इंटीजर रिटर्न करता है, और वो इंटीजर ये वैल्यू जो हमने दी है इससे स्मॉलर और क्लोजेस्ट होता है। तो -100.45 से स्मॉलर और क्लोजेस्ट इंटीजर -101 है, तो यहाँ पर रिजल्ट हमें -101 मिलेगा। तो इसको मैं सेव करके अब यहाँ पर एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अपने फंक्शन को, सो टेस्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं हमें -101 रिजल्ट मिल रहा है। अब इसके बाद अगेन मैं फ्लोर फंक्शन को यूज करने जा रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर के साथ। तो यहाँ पर मैं 100.45 यूज कर रहा हूँ इस बार। तो 100.45 फ्लोर फंक्शन इस केस में 100 इंटीजर रिटर्न करेगा, क्योंकि 100 इंटीजर 100.45 से स्मॉलर और क्लोजेस्ट है। तो यहाँ पर अब मैं टेस्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं हमें 100 रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से फ्लोर फंक्शन काम करता है। तो फ्लोर फंक्शन हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, वो इंटीजर वैल्यू हम एज अ आर्ग्यूमेंट जो भी वैल्यू देते हैं उससे स्मॉलर होती है और उससे क्लोजेस्ट होती है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं फंक्शन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ pow। अगेन pow फंक्शन मैथ मॉड्यूल में अवेलेबल है, और इसमें हमें जनरली 2 आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। फर्स्ट है बेस और सेकंड है एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल मैं 5 raised to the power 3 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं दूंगा 5,3। तो यहाँ पर 5,3 जो मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पर pow फंक्शन 5 raised to the power 3 कैलकुलेट करेगा। 5 raised to the power 3 125 है, तो pow फंक्शन यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न करेगा 125 वेरिएबल a को, और जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट में हमें 125 रिजल्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, तो टेस्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं हमें 125 रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से pow फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं फंक्शन यूज करने जा रहा हूँ fabs, और fabs फंक्शन का हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए। तो fabs और यहाँ पर मैं एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा हूँ -123.45। तो यहाँ पर FABS जो फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब कि यहाँ पर वो एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा -123.5 का। तो यहाँ पर FABS फंक्शन ए वेरिएबल को पॉजिटिव 123.45 रिटर्न करने वाला है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, टेस्ट, और यहाँ पे हम देख सकते हैं 123.45 वैल्यू मिल रही है। अब जो FABS फंक्शन है वो जैसे हम जानते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, तो अगर हम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो सेम पॉजिटिव हमें रिजल्ट भी यहाँ पर मिलेगा। तो इस बार मैं पॉजिटिव 123.45 एज अ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेस्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं मैं पॉजिटिव 123.45 मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फंक्शन मैं यूज करने जा रहा हूँ sqrt फंक्शन का यूज करते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ 144 का, रिजल्ट हमें मिलना चाहिए 12। तो sqrt 144, तो sqrt फंक्शन इस केस में 144 नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके स्क्वायर रूट का जो रिजल्ट है 12 वो a वेरिएबल को असाइन कर देगा, और इसके बाद हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां पर हमें a वेरिएबल की वैल्यू 12 मिलेगी। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, तो टेस्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं मैं 12.0 रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से sqrt फंक्शन काम करता है और ये हमें गिवन नंबर का इसका रूट कैलकुलेट करके देता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि मैथ मॉड्यूल में अवेलेबल है और इनको हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं कुछ जनरल टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए। और यहाँ पर हमने इस वीडियो में मैथ मॉड्यूल के 5 बेसिक फंक्शन देखे, ceil, देन फ्लोर, देन fabs, उसके बाद pow फंक्शन और उसके बाद लास्ट में sqrt। इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो कवर करूंगा।